पूरे जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं और जो संकल्प इन्होंने इनके घोषणा पत्र में लिए हैं, जिस प्रकार गए बार मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि ये हमारा एक गीता की तरह है ना, तो उस गीता के जो ये कह रहे हैं ग्रंथ की तरह है, उस ग्रंथ के पन्ने तो पलट नहीं रहे हैं संकल्प के, तो फिर जनता के जो वादे इन्होंने चुनाव में जीतने के लिए आए हैं उन वादों को पूरा करना नहीं चाहते। इसको लेके सरकार से बात की जाएगी और मांग उठाई जाएगी आम जनता की तरफ से, चाहे महंगाई हो, युवा बेरोजगार हो, चाहे किसान हो, इन सब के बारे में बात की जाएगी। गंभीर मैं तो कहना चाहता हूँ कि ऐसे कौन से इतने सालों से जब कलेक्टर ने परमिशन उसकी निरस्त कर दी तो कमिश्नर ने क्या क्यों स्टे दिया, और स्टे दिया तो तारीख का स्टे दिया कि चालू करने का स्टे दिया। मेरे पास जानकारी है कि सिर्फ स्टे उनको एक तारीख तक का मिला था, लेकिन अवैध रूप से चल रहा था। कौन भारतीय जनता पार्टी के नेता है जिनके ये आश्रय में इस सब चीज़ें चल रही थी, ये सरकार की सीधे जवाबदारी है कि अगर इस प्रकार से सरकार की आँख और नाक के नीचे इस प्रकार की हरकतें हो रही है तो एक आम लोगों के साथ खिलवाड़, उनकी मौत जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा, ये गलत बात है। उत्तराखंड में UCC का जो बिल है, अब ये तो सभी अपने अपने राग है भारतीय जनता पार्टी की।